जिला कांग्रेस कमेटी शिवनी के आह्वान पर आज नगर पालिका चौक से शुक्रवारी चौक तक मुंह पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला गया। विगत दिवस मणिपुर में महिलाओं के साथ किया गया घृणित कार्य कर्नाटक में जैन मुनियों की नृशंस हत्या एवं शिवनी में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में महिलाओं के साथ हुई अभद्रता अश्लीलता के विरोध में जिला कांग्रेस एवं जिला महिला कांग्रेस शिवनी के संयुक्त तत्वावधान में आज नगर पालिका चौक से शुक्रवारी चौक तक मुंह पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च निकाला गया। तत्पश्चात अहिंसा स्तंभ पर कैंडल लगाई गई एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष के संबोधन के उपरांत 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। 18 मई को उसकी एफआईआर होती है और उस घटना को दबाने का भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित मणिपुर में प्रयास किया जाता है। जब उस घटना का वीडियो वायरल होता है तो कल जब सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि यदि सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी तो कोर्ट इसमें एक्शन लेगा, उसके बाद हमारे 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर संसद के अंदर नहीं संसद के बाहर कुछ बयानबाजी करते हैं। लगभग 8 मिनट के उनके भाषण में कुल 36 मिनट उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला, 36 सेकेंड उन्होंने मणिपुर के बारे में बोला और मणिपुर के साथ साथ उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लपेटने का जो प्रयास किया उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि पूरा देश पूरा विश्व ये जानता है कि पिछले लगभग 80 दिनों से मणिपुर जल रहा था। एक तरफ मणिपुर जल रहा था, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका फ्रांस यूएई की यात्रा कर रहे थे, लोग उनसे मांग कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल जब वहाँ चुनाव हुए थे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाकर बोल के आए थे, उनके भाषण सबके वीडियो यूट्यूब में चल रहे हैं अभी, यदि आपको मणिपुर में शांति चाहिए, यदि आपको मणिपुर में पीस चाहिए तो आप भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनाए। वहाँ की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की बात पर विश्वास करके वहाँ बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन नतीजा क्या निकला कि लगभग 80 दिन से मणिपुर में आग लग रही है, केंद्रीय मंत्रियों घर जला दिए गए, लगभग 150 लोगों की वहां पर हत्या हो गई, लेकिन मणिपुर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का मुंह भी नहीं बोला। जब ये घिनौना वीडियो सामने आया तो देश के सर्वोच्च न्यायालय को स्वयं संज्ञान लेकर इतने कठोर टिप्पणी कल करनी पड़ी। उसके बाद आप सबने देखा किस तरह से विश्व भर में इस घटना को लेकर निंदा हो रही, इस घटना को लेकर भर्त्सना हो रही। इसी तरह से दूसरी तरफ आपने देखा कर्नाटक में हमारे 2 जैन मुनियों की नृशंस हत्या कर दी गई, उनके हत्यारे शायद सुना है कि पकड़ाए हैं, हम उसकी भी मांग करते हैं कि उनके हत्यारों को भी कड़ी सजा दी जाए। और हद तो तब हो गई जब मणिपुर की घटना के बारे में अभी बातें चली रही थी कि शिवनी में जब परसों मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान यहाँ आए तो यहाँ पर भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करके अश्लीलता करके मणिपुर कू को बनाने का प्रयास किया गया, जिसकी हम सब कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था। जिस तरह से आप लोगों ने देखा तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक आदिवासी महिला के घर को कपड़े से ढक कर ऊपर झंडा भी लगा दिया था और उसके घर के सामने मंच भी बना दिया था, तो ये इनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से इन्होंने उस दिन जो महिलाएँ आई थी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उनके साथ जो अभद्रता की अभद्रता की उन्होंने वहाँ पर वो महिलाओं ने उस दिन शिकायत भी की, यहाँ पे कोई महिला बाल विकास के अधिकारी अभिजीत पचौरी उनसे महिलाओं ने शिकायत भी की परसों कार्यक्रम के बाद, कार्यक्रम के चलते उन्होंने कहा कार्यक्रम निपट जाने दो हम आपकी बात का संज्ञान लेंगे, लेकिन जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो कल कुछ महिलाएं फिर इकट्ठी होकर बैठने के बाद आई तो उन्होंने जाँच करके कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम ये जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि परसों जो घटना सिवनी में हुई है उस घटना के दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मणिपुर में जो हो रहा है उसमें भी हम देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे कि 56 इंच का सीना दिखाने या बोलने से नहीं होता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। तो ये जो घटनाएं निरंतर देश में हो रही हैं विभिन्न प्रदेशों में हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो तोड़ो और राजनीति करो विभिन्न वर्गों विभाजनों में जातियों को बांटो राजनीति करो, उसका नतीजा है आज ये कि हमारा देश पूरा जो है तरह की असमंजसता की स्थिति में चल रहा है। तो हम सब कांग्रेस का विरोध करते हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ यह प्रण लें
कि हम सब मिलकर आपसी भाईचारे से, आपसी सद्भाव से काम करेंगे और इस देश को संविधान के हिसाब से चलाने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। आप सब यहाँ इतनी देर, इतनी बारिश के बाद भी उपस्थित हुए, मैं आप सबका जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सत्ताधीशो धर्म करो। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि 2 मिनट का मौन हम उन दो लड़कियों के लिए जिनकी नृशंस हत्या कर दी गई मणिपुर में, और भी बहुत सारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।